अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ निगरान वज़ीर आला के बारे में। इससे पहले अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को प्रेस करें ताकि मुल्क की बदरती सूरत हाल के बारे में आपको वक्तन फवक्तन आगाह किया जाए। निगरान वज़ीर आला के लिए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने जो है साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वज़ीर आला हमज़ा शहबाज जो कि मौजूदा अपोजिशन लीडर थे, कानूनी तौर पर जो तरीका कार था दोनों को जो है लेटर लिख दिए गया है कि अपोजिशन के लिए जो है अपने अपने नाम पेश किए जाएं निगरान वज़ीर आला के लिए, जिसमें हमज़ा शहबाज को और चौधरी परवेज़ इलाही को दोनों को जो है लेटर लिखा गया है और नाम पेश करने की हिदायत की गई है कि जल्द अज जल्द अपने तीन तीन नाम निगरान वज़ीर आला के लिए पेश करें, जिसमें हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही जो जिन तीन छः नामों में से दोनों एक नाम पे मुत्तफिक होंगे तो उसके बाद निगरान वज़ीर आला का ऐलान किया जाएगा और उसके साथ ही कानूनी तौर पर जो तरीक़ाकार है वो पूरा किया जाएगा। जैसे ही इनका तरफ से दोबारा नाम पेश किए जाएंगे तो गवर्नर बलीगुर रहमान जो है इसके लिए आइनी तरीक़ाकार को पूरा करेंगे और निगरान वज़ीर आला के लिए जो है ऐलान किया जाएगा और उसके साथ ही जो मुंतखब निगरान वज़ीर आला होगा वो अहदे का हलफ उठाएगा और उसके साथ ही इलेक्शन की तरफ तैयारी की जाएगी तमाम अपोजिशन और पीटीआई की तरफ से। इसके साथ ही जो है निगरान वज़ीर आला का जो दौरानिया होगा वो 90 डेज़ 3 मंथ का होगा, जिसमें वो फ्री एंड फेयर जो है अपने काम सर अंजाम देंगे और 3 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मुंतखब होंगे। अब देखते हैं कि ये नाम जो है कितनी देर तक पेश करते हैं और कब कब जो है ये गवर्नर बलीगुर रहमान कब इसका ऐलान करते हैं। ये जल्द ही इंशाल्लाह ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद निगरान वज़ीर आला जो है अपने ओहदे का हलफ उठाएगा और अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगा। इसके साथ ही केपीके असेंबली भी तहलील जो कि अभी तक तहलील नहीं हुई और जल्द वो भी तहलील कर दी जाएगी, इमरान खान की तरफ से ये इशारा दिया गया है। देखते हैं कि ये निगरान वज़ीर आला किस तरह जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मौजूदा सूरत हाल के बारे में आगाह किया जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ टेक केयर।